देख रहे हैं सिटीलियन न्यूज चैनल हक की आवाज। इस न्यूज के पेश करता है कॉस्मिक पेक्सुल, एक बार जो खाए यहाँ बार बार आने को चाहे यहाँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ज़किया सादिक सिटी इंडिया न्यूज़ के रियासती खबरनामा आयनाए दक्कन में आपका इस्तकबाल करती हूँ। खबरों से पहले सुनते हैं एक हदीस शरीफ। गुल अज़रु ख़तामू हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लतुस्वन सुफूफकुम औ लयख़लिफन अल्लाहु बैन वुजूहिकुम। मुस्लिम शरीफ। नमाज में अपनी सफ़ों को सीधी करो वरना अल्लाह ताला तुम्हारे क़ुलूब में इख्तिलाफ डाल देगा। आज वजीर दाखिला के घर के करीब आजमपुरा चमन के पास इसी इलाके के एक नौजवान मोहम्मद साजिद का कुछ नामालूम अफराद ने हमला करते हुए कत्ल कर दिया। हमलावरों ने तेज धार हथियारों से मोहम्मद साजिद के पेट में पै दर पे हमला किए, जिसकी वजह से साजिद के पेट में शदीद जख्म आए, जिस पर साजिद वहीं फौत हुआ। इतला मिलते ही मुकामी पुलिस ने मुकाम वाक़े पहुंचकर नाश का पंचनामा किया और नाश को बागर्ज पोस्टमार्टम दवाखाना उस्मानिया मुंतकिल कर दिया। पुलिस के मुताबिक ये पुरानी मकासिमत का मामला है, पुलिस मसरूफ़ तहकीकात है। क्या बोल के क्या बोला? मुंडिया काट देता रे तुम लोग के पूरे जितने भी है ना, पूरों के सुरता देख लियो। अब मुंडिया काट देता हूँ। जमीर जमीर बोले जमीर गए जमीर जमीर भाग गया। कहा रहता है क्या मालूम था? नहीं दोनों को नहीं जमता। जमीर को चाचा को दोनों खास दोस्त दोनों खास दोस्त मतलब उनको कौन मारे साजिद को? किसको? चाचा को। चाचा के हाथ में जो चाकू दिया था आपको पट्टा था खींचने का, उसको ऐसा पड़ गया लाइट, उन्हें सीधा गया सीधा खादर को मार पड़ गए बोल के हमला उतारा करे तो पूरी बच्ची आ गए, पूरी लेडीज आ गए, उनके घर वाले आ गए पूरे। खादर के लड़ने नहीं है वो करके क्या करे, ऑपरेशन ब्लेड से यहाँ पे एक चर पड़ा, इधर एक चर पड़ा, ऑपरेशन ब्लेड चाकू जो थी चाकू था पकड़ लेते पकड़ते कि उन्हें खींचते क्या फोन मारे चरपटे ऑपरेशन ब्लेड से पट्टे मारे। समीर गैर सरकारी और खानगी शोबे के मुलाजमीन को हुकूमत की जानिब से 10,000 रुपए महाना अदा किए जाएं, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का मुतालबा। AITUC शाख बोधन की जानिब से मुस्तकर बोधन के अंबेडकर चौराहे पर जेल भरो प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसको मुखातिब करते हुए जिला सेक्रेटरी AITUC गंगाधर ने कहा कि हुकूमत मुल्क के सरमायादारों के हाथों कठपुतली बनी हुई है और मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी नफाबख्श सरकारी कंपनियों को सरमायादारों के हवाले करते हुए मुल्क का खजाना सरमायादारों पर लुटा रहे हैं, जबकि गैर सरकारी शोबे में काम करने वाले मुलाजिमीन जो कोरोना वबा की वजह से अपनी मुलाजिमतें खो रहे हैं फाकाकची का शिकार है। गंगाधर ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो गैर सरकारी शोबों के मुलाजिमों को महाना 10,000 रुपए माली इमदाद फराहम करें। इस प्रोग्राम में नागैया गंगाधर नजीर और दीगर ने शिरकत की। रेंडो सारी अधिकारंलोकि वच्चिनटुवंटि बीजेपी प्रभुत्वमु 130 కోట్ల భారతీయుల విశ్వాసాన్ని దెబ్బతీస్తా ఉన్న పరిస్థితి ఉంది। 72 సంవత్సరాలుగా ప్రజల ఆస్తులైనటువంటి ఎల్ఐసి బీమా రైల్వే రంగాలను అయినటువంటి సంస్థల్ని ప్రైవేట్ వ్యక్తులకు అప్పజెప్పడం తమకు అనుకూలమైన వారికి దేశ సంపదను దోచిపెట్టడం అనేది చేస్తా ఉంది। కోట్లాది మంది భారతీయులు ఈరోజు సాఫ్ట్వేర్లో పనిచేస్తూ ఉంటే వాళ్ళ ఉద్యోగాలు ఊడిపోతూ ఉంటే ప్రభుత్వము నిమ్మకు నీరెత్తినట్లుగా వ్యవహరిస్తూ ఉంది।
అంతేకాదు ఈరోజు ప్రజల కోసం పనిచేస్తున్నామని చెప్పి టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం కానీ బీజేపీ ప్రభుత్వం కానీ కార్మిక వ్యతిరేక చట్టాలను అవలంబిస్తా ఉంది. కార్మికులు అనేక పోరాటాలు చేసి సాధించుకున్న చట్టాలను ఈరోజు సేట్లకు అనుకూలంగా పెట్టుబడిదారులకు అనుకూలంగా మారుస్తా ఉన్నాయి. కార్మికుడికి కనీస వేతనాలు అమలు కావడం లేదు, ఉద్యోగ భద్రత లేదు, పిఎఫ్ఈఎస్ఐ సౌకర్యాలు లేదు. పర్మనెంట్ చేయమంటే ఎప్పుడైనా వీకేసే అవకాశాన్ని ఈ చట్టాల్లో కల్పిస్తా ఉన్నటువంటి పరిస్థితి ఈరోజు బీజేపీ గవర్నమెంట్ కానీ టీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ కానీ చేస్తా ఉన్నాయి. అంటే ఈరోజు దేశభక్తులమని ప్రజల కోసమే పనిచేస్తున్నామని చెప్పుకునే మీ ప్రభుత్వాలు ఎవరి కోసం పనిచేస్తున్నాయని చెప్పేసి ఈరోజు కార్మిక వర్గం మిమ్మల్ని ఈ సందర్భంగా ప్రశ్నిస్తా ఉంది. ఇప్పటికైనా ప్రభుత్వాలు తమ వైఖరిని మార్చుకోవాలని, కార్మికుల కోసం దేశ ప్రజల కోసం అవకాశం ఇచ్చి అధికారంలో కూర్చోబెట్టిన ప్రజల కోసం పనులు చేయాలని చెప్పేసి మేము సిఐటియుగా డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. مختلف مزدور یونینوں کی جانب سے آج مستقر بوتھر میں ایک پروگرام منعقد کیا گیا جس میں ریاستی اور مرکزی حکومتوں پر الزام عائد کیا گیا کہ وہ مخالف مزدور پالیسیوں پر عمل پیرا ہیں اور کرونا وبا کو قابو پانے میں ناکام ہیں اور اس مہلک وبا کی وجہ سے اپنی ملازمتیں کھونے والے مزدوروں کو متبادل روزگار فراہم کرنے میں بھی ناکام ہیں. اس پروگرام میں مزدور قائدین بی شنکر، سائلو، محمود کے علاوہ دیگر قائدین موجود تھے. దేశ వ్యాప్తంగా కరోనా మహమ్మారి ప్రజలందరినీ పీడిస్తున్న సందర్భంగా ప్రభుత్వాలు ప్రజల్ని పట్టించుకునే విషయంలో కానీ ప్రజలకు వచ్చినటువంటి కరోనా లక్షణాలు ఉన్నటువంటి వాళ్ళకందరికీ టెస్టులు చేసి నిర్ధారణ చేసే విషయంలో, అదేవిధంగా కరోనా సోకినట్లు నిర్ధారణ అయినటువంటి ప్రజలకందరికీ పేషెంట్లకందరికీ ప్రభుత్వమే వైద్య సదుపాయాల్ని అందించే విషయంలో, ప్రజల ప్రాణాలని కాపాడే విషయంలో ప్రభుత్వం పూర్తిగా విఫలమైందని చెప్పి, సర్కారు పూర్తిగా బాధ్యత తీసుకొని ప్రజల్ని రక్షించేటటువంటి బాధ్యత ఈరోజు ప్రభుత్వాన్ని, కానీ ఈరోజు ప్రైవేట్ ఆసుపత్రులకు అప్పచెప్పేసి డబ్బులున్నోళ్ళు మాత్రమే మీరు ప్రాణాలను కాపాడుకోండి, లేకపోతే మీరు చనిపోండి అని చెప్పి చేతులెత్తేయడం చాలా విచారకరమైనటువంటి విషయం. ఇప్పటికైనా సర్కారు పనులు లేక ఈరోజు ఈ కరోనా మహమ్మారి సందర్భంగా పనులన్నీ కోల్పోయి పరిశ్రమలు మూతపడి కొనుగోలు శక్తి తగ్గిపోయి ఈరోజు ఆకలితోని తిండికి లేక బాధపడుతున్నటువంటి ప్రజల్ని సర్కారు కాపాడాలని చెప్పి డిమాండ్ చేస్తున్నాం. కానీ ఈరోజు కరోనా కష్టాలతోని ఒక రకంగా బాధపడుతుంటే మరొక రకంగా ఇంకొక వైపు నుండి ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలన్నింటినీ కూడా ఈరోజు ప్రైవేట్ వాళ్ళకి అప్పచెప్తున్నది. రియాసతీ కాంగ్రెస్ కమేటీ కే జేరే ఎహ్తిమామ్ گاندھی بھون میں آج یوم ہندوستان چھوڑ دو تحریک کے موقع پر ایک پروگرام منعقد کیا گیا. اس پروگرام کو مخاطب کرتے ہوئے صدر ریاستی کانگریس کمیٹی اتم کمار ریڈی نے کہا کہ ملک کو آزادی دلوانے میں کانگریس کا اہم رول رہا ہے اور 8 اگست 1942 عیسوی کو کانگریس کی زیر قیادت شروع کردہ ہندوستان چھوڑ دو تحریک نے ملک کی آزادی میں اہم کردار نبھایا ہے. انہوں نے کانگریس کارکنان سے اپیل کی کہ وہ آج بھی مرکز کی بی جے پی کی قیادت میں برسر اقتدار حکومت جو عوامی مفادات کے خلاف فیصلہ کر رہی ہے اس کو بے دخل کرنے کے لیے اسی جذبے کے ساتھ کام کریں. اس پروگرام میں دیگر قائدین نائب صدر بی سی سی ملو روی، سابق رکن راجیہ سبھا ہنمنت راؤ، صدر ریاستی اقلیتی سیل محمد سہیل اور دیگر موجود تھے. آندھرا پردیش کے وجے واڑا میں رمیش اسپتال کی جانب سے سورنا پیلس ہوٹل کو بطور آئسولیشن مرکز استعمال کیا جا رہا ہے. آج صبح اس اسپتال میں صبح کی اولین ساعتوں میں آگ لگ جانے کی وجہ سے کووڈ سے متاثرہ مریضوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. اس حادثے میں 10 کرونا کے مریضوں کے فوت ہونے کی خبر ہے. آندھرا حکومت نے اس خصوص میں تحقیقات کا حکم دیا ہے. وجے واڑا کے اسپتال میں پیش آئے حادثے کے بعد اب عوام حیدرآباد کی دواخانوں کے متعلق فکر مند ہو گئے ہیں. عوام یہ جاننا چاہتی ہے کہ آیا یہاں کے دواخانے اس طرح کے حادثات کو چھیننے کی طاقت رکھتے ہیں یا نہیں.
एक जायजे के मुताबिक शहर में जुमला 1521 दवाखाने हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 10% दवाखाने ऐसे हैं जो फायर सेफ्टी के कवायद के मुताबिक इंतजाम कर रखे हैं। बाकी दवाखानों का अल्लाह ही हाफिज है। अब देखना यह है कि वक्त रहते हुकूमत इसके मुतालिक दवाखानों को मुस्तैद करती है या नहीं। हल्का संभली राजेंद्र नगर की बड़ी मस्जिद से मुतसिल कब्रिस्तान की अराजी पर नाजायज काबजीन की जानिब से कब्जे की इतला पर मिर्जा रहमत बेग इंचार्ज मजलिस राजेंद्र नगर ने आज इस मुकाम का दौरा किया और वहां अराजी का जायजा लिया। इस मौके पर मिर्जा रहमत बेग ने कहा कि वक्फ बोर्ड ओहदेदारों की लापरवाही का नतीजा है कि रियासत में औकाफी जायदादों पर कब्जा किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मजलिस की जानिब से इस खसूस में एहतजाज दर्ज किया जाएगा। आज सुबह 9 बजे से लेकर अब तक हमने अत्तापुर की कुतुबशाही मस्जिद बड़ी मस्जिद का सदर मोहतरम नसीब मिल्लत अलहाज बैरश रफीजुद्दीन अवीसी साहब की हिदायत के ऊपर मैं और हमारे कारपोरेटर साहब जनाब मोहम्मद नवाजुद्दीन अहमद साहब और यहाँ मस्जिद कमेटी के सदर साहब और उनकी पूरी कमेटी के लोग मिलकर सब बड़ी मस्जिद का मायना किए हैं, जो कि ये मस्जिद के तहत और दरगाह इब्राहिम शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह के तहत 7 एकड़ 10 घंटे ज़मीन है, जो कि शहर के बीचों बीच में है और आउटर रिंग रोड के जो कि पुरानी आउटर रिंग रोड जो अत्तापुर से जाती है उसके बहुत करीब है। हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और सदर मोहतरम नसीब मिल्लत अलहाज बैरश रसूलुद्दीन अवीसी साहब ने यहाँ की ज़मीन के तहफ़ के लिए हमेशा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आगे बढ़ के काम करी है। सदर मोहतरम हमेशा यहाँ पे जो लोग इल्लीगल जाली पट्टा बनाकर ज़मीन के ऊपर कब्जे पर है वो लोग के लिए भी हर डिपार्टमेंट को मजलिस की नुमाइंदगी सदर मोहतरम की नुमाइंदगी रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो या एजेंसी डिपार्टमेंट हो या पुलिस डिपार्टमेंट हो पर वक्त सदर मोहतरम नसीब मिल्लत अलहाज बैरश रसूलुद्दीन अवीसी साहब ने नुमाइंदगी करते हुए रुका रहे हैं। मगर मुझे यहाँ पर एक चीज़ का अफसोस है, जो कि वक्फ बोर्ड में वक्फ बोर्ड की गजीट में ये नोट है कि 7 एकड़ 10 घंटे ज़मीन है बुद्ध के, तो इस ज़मीन को बचाने के लिए वक्फ बोर्ड यहाँ पर नाकाम हो चुका है। हम कई चक्रा मारे वक्फ बोर्ड के, कई बार मैं और यहाँ के कमेटी के जिम्मेदारान जाकर वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब से मिले, आज तक वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब यहाँ पर आके विजिट नहीं करें, ना सीओ साहब आगे विजिट करें। ये लोग को क्यों क्या है ये मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा। वक्फ बोर्ड की जायदाद है, वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, फिर भी ये लोग खाली खामोशी तमाशाई बने हुए हैं और वक्फ बोर्ड की ज़मीन पूरी तबाह होते जा रही है। अब आज से 2-4 दिन पहले यहाँ पर एक झोपड़ी डाल दी गई, कब्जा कर लिया गया, उस ताल्लुक से भी मैं मायना किया हूँ और इसकी रिपोर्ट भी सदर मोहतरम को दूंगा। और वक्फ बोर्ड की नाहली की वजह से वक्फ बोर्ड के ज़मीना तबाह हो रहे हैं। मैं वक्फ बोर्ड के कोई शख्स का नाम लेना नहीं चाहता, वक्फ बोर्ड के जो जिम्मेदार हैं वक्फ बोर्ड के सीओ साहब से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि सीओ साहब आप यहाँ पर आके विजिट कीजिए। एमबीटी कायद अमजदुल्ला खान खालिद ने आज सुपरिटेंडेंट उस्मानिया दवाखाना डॉक्टर बी नागेंदर से मुलाकात करते हुए 500 मास्क, 20 फोल्डिंग चेयर्स और 10 स्ट्रेचर्स उनके हवाले किए और कहा कि इसके इस्तेमाल से आवाम को सहूलत पहुंचाने की ख्वाहिश की। मस्कुरा कुर्सियां वगैरह श्री रामा कंडक्टर्स के राजेंद्र अग्रवाल की जानिब से बतौर अतिया दी गई हैं। थोड़ा दूर है
देखिए, मैं कई दिन से ये नोट कर रहा था कि उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल को हम जब भी आते हैं तो इमरजेंसी में रोजाना तकरीबन जब से ये पैंडमिक स्टार्ट हुआ है मेरा इत्तेफाक हो रहा है, कई बार तो दो दो तीन तीन वक्त उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल को आना पड़ रहा है। यानी तेलंगाना की जितनी गरीब आवाम है, खासतौर पर हैदराबाद की और ओल्ड सिटी पुराने शहर के, इनके लिए इमीडिएट अगर कोई हॉस्पिटल है तो वो उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल है। जो पैसे वाला है वो तो किसी भी कारपोरेट हॉस्पिटल में जाता है, इलाज करवा लेता है, लेकिन उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल जो है गरीब के इलाज के लिए है। तो यहाँ पर जो है ये व्हील चेयर्स और स्ट्रेचर्स का बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, स्पेशली इमरजेंसी में। तो हमारे मेरे बड़े भाई है ये, हमारे राजिंदर अग्रवाल साहब, मैनेजिंग डायरेक्टर रामा कंडक्टर्स, तो ये हमेशा से कोई ना कोई खैर का काम करते रहते हैं। खास तौर पर इनकी अग्रवाल कम्युनिटी बहुत काम कर रही है, सिलेंडर्स देने में, आपके पेशेंट्स को मास्क देने में, कई पुलिस वालों को, कई डॉक्टर्स को पीपी किट्स वगैरह भी दिए हैं ये लोग। तो एक छोटा सा कहे मुझसे बोले कि भाई मैं आपको कुछ गिफ्ट करना चाह रहा हूँ, तो मैं बोला भाई मेरे को मत गिफ्ट करिए, अगर आप वाकई किसी को गिफ्ट करना चाह रहे हैं ह्यूमैनिटी को गिफ्ट करिए, ये व्हील चेयर्स और स्ट्रेचर्स आप हमारे को दीजिए बोले। तो ये पहला हॉस्पिटल में आज हम लोग दिए हैं, इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि राजेंद्र अग्रवाल जैसे और कई लोगों को इसमें एनरोल करके पेटला बुरुज मेटर्निटी हॉस्पिटल हमारा नेक्स्ट टारगेट है, उसमें भी व्हील चेयर्स और उसमें भी स्ट्रेचर्स देंगे हम। उसके बाद में सुल्तान बाजार मेटर्निटी हॉस्पिटल हमारा टारगेट है, फिर मलकपेट में जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल जिसको पुलिस हॉस्पिटल कहा जाता है उसमें भी देने का इरादा है, गांधी में भी देने का इरादा है। जो डॉक्टर्स सर्व कर रहे हैं खासतौर पर, जो भी चीज की जरूरत है, ये मेरा वीडियो अगर कोई डॉक्टर सुन रहे हैं जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अपनी जान खतरे में डाल के अवाम को जो बचा रहे हैं डॉक्टर, तो मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि मेरा फोन नंबर नोट करिए 9246529800। ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में काम करने वाले डॉक्टर्स या कोई भी मेडिकल एंड हेल्थ स्टाफ को कोई चीज की भी जरूरत है, मास्क की जरूरत है, पीपी किट की जरूरत है, व्हील चेयर की जरूरत है, स्ट्रेचर की जरूरत है, आदि रात को आप अमजदुल्ला खान को कॉल करिए। मेरे कई बड़े भाई है, राजेंद्र अग्रवाल जैसे कई लोग है, किसी ना किसी को हम बोल के ये चीज अरेंज करा सकते हैं। मैं तमाम जितने ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रहे हैं सबको बोल रहा हूं, अगर गरीब की सही मदद करना चाह रहे हैं तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को डोनेट करिए, जो भी दे सकते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को दीजिए। नाजरीन, आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा सिटी डिजिटल सेटटॉप बॉक्स के चैनल नंबर 22 और हैदराबाद में एजी सेटटॉप बॉक्स के चैनल नंबर 50 पर मुशाहिदा कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा कर सकते हैं। नाजरीन, अगर आप यूट्यूब पर हमारे वीडियोज़ देख रहे हैं तो यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। तो नाजरीन, अब मुझे ज़किया सादिक को इजाज़त दें और देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल सिटी इंडिया न्यूज़, हक की आवाज़। शब्बा खैर, अल्लाह हाफिज़। दोस्तों, अगर आपको हमारी न्यूज़ और एंटरटेनमेंट तमाम प्रोग्राम पसंद आते हैं तो फिर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी हर न्यूज़ और हर एंटरटेनमेंट प्रोग्राम से अपडेट रहें। देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़, हक की आवाज़।